गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। किसी भी वेट लॉस जर्नी का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है डिनर। डिनर में क्रेविंग्स भी होती हैं, शाम के आते होते हैं हम थक भी जाते हैं, हमें कुछ यम्मी भी चाहिए, हमारे को कुछ मन भी मचलता है कि हमें कुछ अच्छा सा खाना चाहिए। और पॉइंट इसके अगर उस स्टेज पे आपको कुछ भी हेल्दी सा या फिर कुछ भी डिलिशियस सा और इजी रेसिपी नहीं मिलेगी तो आपका जो होगा चीट। उससे क्या होगा, पूरा दिन का हमारा जो डाइट है, पूरा दिन का जो हमारा मेहनत है वो हो गया जीरो। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ 2 वेट लॉस हाई प्रोटीन रेसिपी जिसकी हेल्प से आपका जो क्रेविंग्स है वो किल होगा, डिनर यम्मी लगेगा एंड थर्ड पार्ट इज आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो ब्रेक भी नहीं होगा। ये सिंपल रेसिपी है, बहुत ही इजी है, कोई भी बना सकता है एंड इट्स रियली डिलिशियस। पॉइंट इज कि ये इतनी फिलिंग है कि आपको फील ही नहीं होगा कि हाँ जी आप लोग वेट लॉस जर्नी पे है। नाउ पॉइंट इज कि इसको लेना कब है, अगर आप ये डिनर बना रहे हैं तो आपका 6:30 to 7 o'clock के बीच में ये डिनर ख़त्म हो जाना चाहिए। 8:30-9 बजे अगर आप इतना हैवी डिनर करोगे वेट लॉस की जर्नी में तो वो आप भूल जाओ कि आपका वेट लॉस देगा। अगर आपका वेट लॉस का जर्नी में आप टाइमिंग्स मैनेज नहीं करोगे तब भी आपका जो वेट है वो नहीं जाएगा, स्टक होके जाएगा और आप इरिटेट होगे, पूरा का पूरा आपका जो जर्नी है उसको ब्रेक कर दोगे। सो मैंने इस रेसिपी में पनीर यूज़ करा है। आप पनीर की जगह तोफू पनीर, सोया चंक बॉइल्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको तोफू पनीर नहीं मिला या फिर नॉर्मल पनीर लेने का आपका मन भी नहीं है। ये रेसिपीज कोई भी बना सकता है, कोई भी खा सकता है और बहुत ही सिंपल है। बनानी कैसे है चलते हैं किचन में। ओके, फर्स्ट रेसिपी जो हमारे पास है वो है ब्रोकली एंड पनीर कटलेट। सो अगर आपके पास ब्रोकली नहीं है देन हम यहाँ पे नॉर्मल जो गोभी आती है हमारी वाइट वाली हम वो भी ले सकते हैं। सो ये रही ब्रोकली, ये ग्रेट करके वॉश करके मैंने यहाँ पे रखी हुई है। नेक्स्ट इसके अंदर मेरे पास मैं डालूँगी यहाँ पे पनीर, सो 10 मच ऑफ पनीर 3 से 4 कटलेट के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे 2 चम्मच जितना ग्राम फ्लावर, बेसन, पनीर की जगह जिन लोगों को पीसीओडी है वो लोग तोफू पनीर यूज करेंगे या फिर इसके अंदर आप सोया चंक भी ऐड कर सकते हैं बॉइल्ड। ओके, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से हमारे मसाले। नंबर 1 यहाँ पे मेरे पास है सॉल्ट। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी पिंच ऑफ अजवाइन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मेरी कस्तूरी मेथी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेरा भुना हुआ जीरा का पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है सूखा धनिया पाउडर, परफेक्ट। और इन सब को अब हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट इसकी हम बनाएंगे टिक्की। हाथ पे लग गया है घी, ये मैंने ले लिया यहाँ पे। सो ये बन गई हमारी टिक्की। सो ये रही हमारी टिक्की और ये रहा मेरा पैन जो कि गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं डालूंगी हल्का सा ऑयल और इसके अंदर अब हम लगाएंगे। ओके, परफेक्ट। तो ये जो टिक्की है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है हमारी। एंड हियर इज द डिनर रेडी। ओके जी, सो नेक्स्ट टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए बनाना, कच्चे केले, रॉ बनाना। यहाँ पे मेरे पास स्टीमर है, पानी उबल रहा है, इसमें मैं ये रॉ बनाना जो है वो रख रही हूँ जब तक ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। ओके, ओके। सो यहाँ पे ये मेरे पास है बॉइल्ड रॉ बनाना, 2 बहुत छोटे, अगर आपके पास बैग है तो 1 पूरा आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है घिया जिसको मैंने ग्रेट करके इसका सारा एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल रखा है। पानी बिल्कुल हटा लेना, निचोड़ लेना घी को कद्दूकस करके, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी टिक्की बनने नहीं देगा। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने डालना है मेरा बेसन, 1 से 2 चम्मच। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने डालना है मेरे मसाले, नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ अजवाइन,
सूखा धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी, भुना हुआ जीरा पाउडर, पिंच ऑफ हिंग पाउडर। खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मेरा घिया एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने हाथ पे लूंगी थोड़ा सा घी और अब हम बनाएंगे इसकी टिक्की। सो ये रही हमारी टिक्कीज, इसको हम यहाँ पे कुक कर रहे हैं। इसको हम कवर कर देंगे और पकने देंगे कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए और उसके बाद फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। वेलकम बैक जी। सो डिनर के अंदर आप दो या तीन मैक्सिमम इतनी टिक्कीज लेंगे, बिल्कुल भी उससे ज़्यादा ओवरलोड मत करना एंड कोशिश करना नमक का जो इंटेक हो वो ना मात्र जितना, बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड करना। और जहाँ तक सवाल है बनाना, रॉ बनाना टिक्कीज की, देन मेक श्योर कि अगर आपके पास टाइम नहीं होता और उसको स्किप नहीं करना चाहते सो आप बनाना इसको पहले ही स्टीम करके और पील करके रख सकते हो। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। डिनर में क्रेविंग्स को किल करने के लिए हेल्दी चीज़ें चूज़ करेंगे रैदर देन कि आप बहुत ज़्यादा जंक पे अपने आप को लोड करो या फिर आप अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी खराब करो। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो टेक केयर जी, बाय बाय।